हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर मैं अपने आपके सामने मार्केट का ओपिनियन लेके आया निफ्टी के बारे में। और आज देखेंगे निफ्टी ने आज अच्छा खासा अपने बढ़त, जैसे कि कल आपको बताया था मैंने निफ्टी बढ़त लेगा, वैसे ही इसने बढ़त लिया है और 72 पॉइंट का आज बढ़त किया और दिखाया, 584 पे क्लोज किया है, 0.69% का गेन दिखाया है। तो आपको देखेंगे कितना अच्छा गेन दिखा है इसमें। आज का 31 एडवांसेज है और 19 डिक्लाइन है। अगर देखेंगे तो कौन कौन सा गेन हुए हैं, तो महिंद्रा महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, ONGC, टेक महिंद्रा, SBI ने एक अच्छी तरह टर्न लिया है इसको मार्केट को और अच्छी तरफ से इसको आगे की ओर निकाला है। वहीं पे आप देखेंगे फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन गिरा था, इंडिया बुल, आइसर मोटर आज गिरावट दिखाया है, सिप्ला, JSW और इन्फोसिस, इन्होंने गिरावट दिखाया है। ये कुछ गिरावट है और कुछ अच्छा ही है। तो चलें अभी, अब अगर अगर दूसरे सेक्टर में चलें, यहाँ पे देखिएगा निफ्टी के, देखिएगा यहाँ पे निफ्टी में सारे जगह आपको यहाँ पे देखिएगा गेन हुआ है, एक्सेप्ट कहीं पे भी आपको आज इंडिसेस में कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ है। और अगर सेक्टर में सेक्टर वाइज देखें, तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पे भी देखिए कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ, मैंने हर सेक्टर ने अपना कंट्रीब्यूशन आज दिया है, थोड़ा ही थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जब ये धीरे धीरे चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, रेदर देन कि आप एक साथ जंप लेकर के ऊपर की ओर जाएं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा इसका नेचर दिख रहा है। तो आपको लगेगा यहाँ से और भी अच्छा ये देखने को आपको मिलेगा। अब चलिए कुछ हम इसके अगर पुट कॉल रेशियो को भी देख लिया जाए, तो हम पुट कॉल रेशियो को भी देखते हैं। तो पुट कॉल रेशियो में क्या दिख रहा है आपको, कि देखिए आपको यहाँ पे देखिए जो आज का स्ट्राइक रेट है 10584 की, जो आज है तो 10600 का स्ट्राइक रेट देखिए आप, 10600 का स्ट्राइक रेट देखिएगा तो देखिएगा यहाँ 3,33,000 शेयर का एडिशन हो रहा है। आप देखिए अब ऊपर की ओर हो रहा है, अनवाइंड होकर के हो रहा है, अब राइटिंग किधर, 10,400 पे राइटिंग हो रहा है, 4,77,000 पुट की ओर, 10,500 पे 8,72,000, 10,600 पे 3,33,000। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पुट की ओर ऊपर की ओर आ रहा है, पहले जो हो रहा था नीचे की ओर, नीचे की ओर अब स्क्वायर ऑफ हो रहा है और वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो पुट अब जो है, अब देखिए आपको 29 लाख शेयर है पुट की ओर 10,400 पे, तो अब इससे नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो चुका है, अब इससे नीचे जाएगा नहीं अभी के ट्रेंड में, और ये एकदम धीरे धीरे स्मूथ स्मूथ पड़ रहा है, तो और भी अच्छी बात है, बेस बनाते हुए चल रहा है। तो अब आप देखेंगे तो आज के डेट में 10,600 पे, आप देखेंगे 10,700 पे, सब पे यहाँ पे एडिशन हो रहा है, 10,600 पे 2,87,000 का हुआ, 10,700 से प्रॉफिट बुक हुआ है, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,850, 10,900 यहाँ पे आ जाके एडिशन हो रहा है। तो एज इट इज आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा कॉल के साथ रेड रहा, मतलब लोगों ने इधर शॉर्ट किया है और ये से प्रॉफिट बुक किया है, और अगर आप देखेंगे कॉल के साइड में तो ग्रीन रहा, ये रहना ही रहना था। मैं आपको प्रीवियस में बोला था कि अगर आप 10,400-500 का कॉल ले रहे थे तो अच्छा कमा लिए होते। चलिए अब आज के बारे में सजेस्ट करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप 10,700 का कॉल ले लीजिए 57 में, या अगर उससे भी रिस्क लगता आपको तो 10,750 का 41 में ले लीजिए। तो 75 का लॉट है तो आपको 28 से 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और ये 3,000 इन्वेस्टमेंट करने से आपको देखिए क्या फ़ायदा होता है। आप इसको लेके वेट कीजिए 10,750 का या 10,700 का, यहाँ पे भी लीजिएगा तो आपको 57 इंटू आप कर लीजिए, 57 इंटू करेंगे 75 पे कितना होगा, 57 इंटू 75 तो 4,275, मीन्स बिलो 4,000-5,000 का इन्वेस्टमेंट है। आप दोनों में से कोई भी लेके रख सकते हैं और देख सकते हैं आपको अच्छा फायदा आपको देने के लिए तैयार है, ऑलरेडी ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो ऊपर की ओर दिख रहा है मेरे को, कोई अच्छा ही दिखा रहा है। अब एक बार चलिए आपको इंडिसेस भी दिखाते हैं, अब वो सारे इंडिसेस भी दिखाएं तो आपको क्या दिखने को मिल रहा है, ये देखिए 310 पॉइंट का गेन है डाउ जोन्स में। तो कल समझिए क्या होगा मार्केट में, क्या बवाल रहेगा, कितना मज़ा आएगा बवाल, कल बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट। और यहाँ पे आपको जो गेन दिख रहा है ये गेन दिखेगा, ये डोजन से यूएसए का मार्केट चालू है और यूएसए के फ्यूचर्स के बारे में बता रहा है, तो ये अच्छी खासी गेन के साथ है। तो कल बेबाक रहिए, आपको मस्त रहिएगा, कल मजे से कमाइएगा। चलिए SGX निफ्टी को भी देख लें एक बार, SGX निफ्टी को भी देखेंगे तो देखिएगा 10,636 51 पॉइंट के, 10,600 को क्रॉस करके 10,51 पॉइंट का गेन है, अपना 10,584 पे है, तो समझिए कल आपको 10,600 की ऊपर की क्लोजिंग देगा और आपके पास 10,750 का रहेगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, 51 पॉइंट का गेन है। और अगर चलें तो अगर हम इसको देखें एक बार चार्ट पे भी, इसको एक बार देखते हैं निफ्टी को क्या दिखा रहा है निफ्टी चार्ट पे, तो निफ्टी को एक बार चार्ट पे ले लेते हैं।
एक मिनट, निफ्टी 50 के चार्ट को लेते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। ये देखिए, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। आज 16 तारीख है, और अगर देखेंगे तो आज यहाँ पे 16 तारीख को ये देखेंगे निफ्टी, तो डेली चार्ट पे देख रहे हैं अपन। तो ये 10553 पे ओपन हुआ, 10 हाई बनाया 10604 का, लो बनाया 10527 का, और 10584 का क्लोजिंग दिया। एक चीज़ आप बताइए, जब यहाँ लो था, ये था 10322 का, उसके बाद कल मैं आपको बोला अनडिसिजिव डिसीजन हैमर टाइप का इसमें बना हुआ था, फॉर्म किया था, चलो कोई बात नहीं, ऊपर के नहीं था, डोजी हो जाता ये। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो 10410 का लो बनाया, अब उसके बाद लो बना रहा 10527 का। तो आपको एक चीज दिख रहा है, ये जो लो बना रहा उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप इसकी क्लोजिंग देखिए, ओपन हुआ 10553 पे और क्लोजिंग 10584 पे हुआ, मीन्स की क्लोजिंग भी जो दे रहा है ओपन से ज्यादा की ओर दे रहा है। और अगर हाई जो बनाया 604, तो उसके नियरेस्ट उसने क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अगर आवरली चार्ट को जाकर के हम देखें, ये आवरली आवर्स में क्या कर रहा है, तो आप देखिए इसके आवरली आवर को 16 का देखिए, आवरली आवर को यहाँ पे देखिए, यहाँ आया कि थोड़ा सा इसमें लगा, इसको कवर किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रहा, फिर ऊपर रहा। अब यहाँ जो ऊपर इसने लिया है, यहाँ के बाद कंटिन्यूस ऊपर फॉर्म किया और यहाँ मेंटेन किया, धीरे धीरे अप डाउन बहुत ज़्यादा कोई इसमें नहीं था। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसको मेंटेन रखा इसने और ये ऊपर की ओर ट्रेंड दिखा रहा है। अब यहाँ से 10700 का ओपन हो चुका रास्ता, कोई इशू नहीं। और जैसा मैंने आपको बोला, 10700 या 10750 का कॉल लेके रखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आपको फायदेमंद ये दिखेगा भी, और बहुत ही अच्छा ट्रेड है कल का, मार्केट भी अच्छा है। मैं आप देख ही रहे हैं, खुद ही देख लीजिए मार्केट कितना अच्छा है, निफ्टी देख लीजिए कितना अच्छा है, SGX निफ्टी देखिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल आप मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए और मज़ा कीजिए, कल आपको अच्छा खासा निफ्टी में गेन देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया है मैंने, आपको लेने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। धन्यवाद। वेलकम दोस्त, आप जिस चैनल में अभी आप देखने वाले हैं उसका नाम है प्रॉमिस टू एम्पावर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए और अपने टाइम को देने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल बटन को ओपन करें, बस इतना ही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। आप जितने लोगों को फॉरवर्ड करेंगे उतनी ही हमें खुशी होगी, और हम उतने ही और वीडियो खुशी आपके सामने नए नए वीडियो और भी लेके आएंगे।